अरे प्रकाश, क्या कल टीचर से मार खाया ना? अरे हीरो, मैंने तुम्हें कल ही बताया था घास बांधने के लिए, तुमने सुना नहीं। देखा, मार खानी पड़ी ना। चलो जल्दी चलो, हम घास बांधते हैं। तीतर दिखने से अच्छा होता है या दो मैना देखने से अच्छा होता है, ऐसा कई लोग विश्वास करते हैं। ये विश्वास भी कुछ ऐसा ही है कि अगर पढ़ाई नहीं की है तो घास बांधने से कोई समस्या नहीं होगी और मार भी नहीं पड़ेगी। अरे चल मेरी माँ, अब तू मुझे परेशान मत कर, चल आ। आम खाने का बड़ा दिल कर रहा है। ए लड़के, यहाँ आम क्या तोड़ रहा है, चल स्कूल जा। चल चल आहा, चल चल। क्यों रे, अभी तक स्कूल नहीं गए? आम तो बाद में भी तोड़ सकते हो ना, पहले स्कूल जाओ। चलो चलो। पढ़ने का समय जिंदगी में सबसे अच्छा समय होता है, ये बच्चे कहाँ समझने वाले हैं ये सब। हम जब छोटे थे तो बात ही अलग थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। बड़े आए समझाने वाले, इनको क्या पता कि बुक में कितना सारा लिखना पड़ता है, और तो और टीचर की मार भी खानी पड़ती है। अरे बाप रे, स्कूल की घंटी बज गई। कोई बात नहीं मुन्ना, तुम स्कूल जाओ। कीचड़ उछालने के बाद माफ करना सबसे बड़ा पुण्य होता है, मगर उसके दोस्त उसे कहाँ माफ करने वाले थे। कहाँ से आया क्या पता। अरे बाप रे, बर्दाश्त नहीं हो रहा, कितनी बदबू आ रही है इससे, लगता है गोबर में पैर डाल के आया। नहीं देखा, मुझे तो पता ही नहीं था। नमस्ते, बैठ जाओ। साइलेंस। क्या हो रहा है उधर? सर यहाँ पर बहुत गंदी बदबू आ रही है। कैसी बदबू आ रही है? आ, 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 आ। बहुत होशियार है, ये कैसे हुआ? उठो और इसे साफ करो। बहुत होशियार बनता है, जाओ जाकर पैर धोकर आओ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, हंसो मत। आखिरी गाड़ी आ गई, चलो जल्दी आओ। उधर क्या है? वो हमारा बस स्टैंड है सर। बस स्टैंड है? तुम जाकर पैर धोकर आओ। इधर भी कीचड़ में पैर डालकर आ जाते हैं, माँ बाप को भी इसकी फिक्र नहीं। अनिल कुमार, हजर। जब दोस्तों ने मजाक उड़ाया तो दुख हुआ, अपने हीरो के लिए कीचड़ की बदबू से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वैसे ही बदबू उसके घर में भी आती थी। उसके पिताजी एक मजदूर थे, ये रहे। और उसकी मां घरेलू औरत होने की वजह से खुशबू से उसका कोई वास्ता नहीं था। स्कूल में सिर्फ खाना खाने के लिए तुम आते हो, पढ़ाई के लिए नहीं। चल बैठ नीचे। सर। ठीक है, अंदर आओ।
ठीक है थॉमस, बोलो। अब्राहम लिंकन। सही जवाब। कुछ भी हो जाए, अपना हीरो स्कूल जरूर आता था। उसके आने का कारण था, आप सोच रहे होंगे, उसके दोपहर का खाना। नहीं, वो स्कूल नहा धोकर तैयार होकर एक लड़की के लिए आता था, जिसका नाम था गायत्री। साइलेंस। तो तुम क्या कह रहे थे? सड़क के लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ाई करके महान होने वाले महान अब्राहम लिंकन थे। अरे सुन, मैं महान नहीं बन सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे घर बिजली है, मैं लाइट पे पढ़ सकता हूँ, पर तुम तो दिए में पढ़ते हो ना। चुप करो। प्रकाश बेटा, बैठ के क्या सो रहा है? जाके लेट के सो जाना आराम से। बच्चों से अधिक प्यार करने वाले पिताजी, ध्यान रखें, आप उनके सुनहरे सपनों के बीच रुकावट डाल रहे हैं। अरे बालू रुकना, मैं भी आ रहा हूँ। कितना तेज चलता है तू। जल्दी चलो, हमें सलमान के घर जाना है। क्यों? वो कहता है कि उसके घर के रेडियो के अंदर आदमी है। वो बकवास कर रहा है। ये बताओ, बिना आदमी के रेडियो कैसे गाना गा सकता है? चलो जल्दी चलो। बालू, पता है स्मिता के घर के मछली टैंक में रंगीन मछली है। कौन सी स्मिता? जिसके बाल में जुई है। क्या बोला? हाँ यार, उसके बालों में भरपूर जुई है, वो हमेशा अपना सर खुजलाती रहती है ना। ये है बालू, मुँह खोलता है तो सिर्फ और सिर्फ बकवास करता है, जैसी आजकल फिल्मों में दिखाई जाती है। आज तो मुझे मार पड़ने वाली है। आज भी डांट पड़ी। प्रकाश, ये देख क्या है। ये क्या है? ये विमान का टुकड़ा है। मेरे मामा विमान के ड्राइवर है। विमान के ड्राइवर? उन्होंने विमान से फेंका है। देखने दे। लेकिन तेरे मामा का तो साइकिल से गिरकर पैर टूट गया था ना। ला मुझे वापस दे। बहुत देख लिया तुमने, मेरे कहने पर विश्वास ही नहीं है। ए बालू, तुझे पोछने वाली घास चाहिए? अरे स्लेट पोछने वाली घास। ये अचानक तुम घास की बात क्यों करने लगे? हाँ, दाल में कुछ काला लगता है। अरे वो देख बालू। अब बताओ किस हाथ में? इस हाथ में। सही, अब मैं करती हूँ। अच्छा, अब तू बता किस हाथ में है? इस हाथ में है। आम चाहिए क्या? खा कर देखो, अच्छा है। लो। अरे लो ना। गायत्री, मैं जा रही हूँ। अच्छा लगा? मुझे आम बहुत पसंद है। और उसे तुम बहुत पसंद हो, वो वहाँ खड़ा है ना, उसे। पकड़ 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 मुझे। क्या? सुन, मेरे साथ खेलोगे? क्या हम पागल है क्या? बड़ा आया, मेरे साथ खेलोगे? चल जा। चल प्रकाश, ये और इसका खेल। तू जब मेरे साथ खेलने आएगा तब मजा आएगा। जाओ जाओ, क्या बताओगे तुम? चलो तुम, इसका चेहरा देखा, कैसा रोने जैसा। तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था बालू। अब चलना प्रकाश। प्रकाश, क्या कह रहे थे तुम? ए सुन, अरे बालू, उसने तो पूरा आम खा लिया और कुछ भी नहीं बोला। लड़कियां ऐसी ही होती हैं। लड़कियां हम लड़कों की तरह जो भी मन में आया बोल नहीं देती। जो पॉकेट में निकालना।
क्या हुआ, निकालना। ये ले, पेंसिल दे रहा है, मुझे चॉकलेट चाहिए। अरे निकाल जल्दी। मुझे डर लग रहा है, उसने घर पे जाकर बता दिया तो। उसके पिताजी का चेहरा देखते ही मुझे पैंट में सूसू आ जाती है। ये ले। फिकर नॉट, मैं हूँ ना। ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को दूर करना है। ये क्या कर रहा है? ठीक है। ये पागल तो नहीं हो गया? हाथ उठाओ अपना। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना। अब डर नहीं लगेगा तुम्हें? तू नहीं समझा रहे, कहीं उसने घर जाकर बता दिया तो। मत, हम मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होना चाहिए। तुम कुछ ज्यादा ही डर रहे हो, डरपोक कहीं का। अरे बाप रे, ये तो थॉमस आ रहा है। तुम ही रोज टिफिन खोल के मेरा अंडा खा लेते हो ना, चोर कहीं के। मुझे छोड़ो। खाया तो मार डालूंगा। अब मेरे टिफिन को हाथ भी लगाया ना तो तोड़ डालूंगा हाथ। हाँ, मर्द में हिम्मत होनी चाहिए, और वो भी इसके जैसी। दिवाकर कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। पर अरे बाप रे बाप, कितनी बार तुमसे कहा है पैदल मत जाओ। स्कूल चलती छूट गई थी इसीलिए। बैठ जाओ। तुम कौन हो? मैं वो चंदू भाई का बेटा हूँ। ऐसी हालत में कोई भी अपने ही पिताजी को भाई जरूर बोलेगा, क्योंकि गायत्री के पिताजी का चेहरा और सवाल कुछ ऐसा ही था, और वैसे भी उनकी आवाज काफी नरम थी। और यह घटना जिंदगी भर भूलने वाली घटना नहीं थी, अगर फिल्म होती तो ये इंटरवल पंच होता। प्रकाश, अबे तू यहाँ है? यहाँ पर क्या कर रहा है? दिख नहीं रहा, टंकी भर गई थी। अरे दिन भर कितना पानी पीता है? पता नहीं क्या होगा, मेरा होमवर्क नहीं हुआ। अबे बोलेगा भी, बात क्या है? अरे कितने साल हो गए तूने अपने दिल की बात उसे नहीं बताई, आज तो तू उसे बता ही दे। कल से छुट्टी है, स्टडी लीव। अब चले? हाँ चल। चलो। बालू स्टैचू। अब क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों खड़े हो? चलो। अरे स्टैचू, बकवास मत कर, मुझे आकर छू रहा। चल अभी, जब देखो तभी बचपना करते रहता है, इतना बड़ा हो गया फिर भी स्टैचू स्टैचू खेलते रहता है। एग्जाम में जब अंडे मिलेंगे ना तभी से पता चलेगा। अंडे मिलेंगे तो बॉईल करके खा लेंगे। बालू सामने देख, कौन है? कहां? आज तो तू बोल ही डाल। मुझसे नहीं हो पाएगा। आज नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाएगा। अरे जा, अबे जाना। अभी जाओ, निकल। अरे जाओ। गायत्री, क्या बात है? जरा इधर आओ ना। अरे पूछना जल्दी। वो क्या है ना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, ये तुमसे कुछ कहना चाहता है। हाँ। क्लास के बाद तालाब के पास आना। क्या कहना चाहते हो? एग्जाम्स नजदीक आ रही हैं और मुझे शाम को ट्यूशन होता है, अब तुम घर जाओ। लड़की के पीछे इतना भागने के बाद जैसे सब लड़कों के साथ होता है, वैसा ही अपने हीरो के साथ भी हुआ। दसवीं में अपना हीरो फेल हो गया, अब क्या करेगा? सड़क के किनारे उसका इंतजार करेगा।
मुझे डर था कहीं तू पास ना हो जाए। कम से कम आज तो उसे बता दे। अरे जाओ। मैंने कहा था ना वो जरूर आएगा। सुनो प्रकाश, बेकार में मेरे पीछे टाइम वेस्ट मत करो, पहले 10वीं पास करने की कोशिश करो। वैसे भी हम दोनों के कभी नहीं बनेगी, मेरे पिताजी को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। गायत्री ने जो कुछ भी कहा उससे हमारा हीरो टूट गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। जुल्फे हैं प्यारी कैसी ये लहराती, आँखों से बातें हो रही। कभी तुम रुक जाओ नजर भी तो मिलाओ, बड़ी मुश्किल है ये घड़ी भी। जाने कहीं से तुम आई हो इस तरह, भेजा है मेरे लिए ही। रातों में याद आती ख्वाबों में भी तुम हो, बाहों में कभी तुम भी आओ। होंगे कभी ना जुदा हम, ना जुदा। देखा तुम्हें जब तो उस दिन की बात है, दिल में तू बस गई पागल सा हो गया। देखा तुम्हें जब तो उस दिन की बात है, दिल में तू बस गई पागल सा हो गया। फूलों में भी तुम हो, बाग में भी तुम हो, चेहरा तुम्हारा है चांद का टुकड़ा। बारिश में भीगे हैं तितली भी गा रहे, मोहब्बत की राहों में मिलते रहे हम दोनों। बारिश में भीगे हैं तितली भी गा रहे, मोहब्बत की राहों में मिलते रहे हम दोनों। सपनों में आती थी अब तो हकीकत है, होंगे न जुदा हम ना होगा कोई गम। चलो अगला गेम मैं बताता हूँ। लेकिन बालू अगले गेम के लिए कान ही बाकी नहीं है। अगले गेम के लिए तेरे कान ही नहीं बचेंगे। अरे बाटो बाटो, ये गेम तो मैं ही जीतने वाला हूँ। चल चल कर चल, दांव लगा।
अरे अपने हीरो को क्या हुआ यार? तुमने तो पता नहीं, इसका प्यार टूट गया। बालू, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ यार। अरे तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम उसे भूलना चाहते हो जाएगा। 10 रुपए तो दो। अरे 10 रुपए क्यों मांग रहे हैं? तुम्हारा प्यार टूट गया है ना। अरे ये पैसे तुम 10 रुपए खरीदने के लिए रखे हैं। अरे दो ना यार। अरे क्या अभी कैसा? हाँ ये ले भाई। अरे इसने 5 ही रुपए दिए, 10 रुपए दो ना कोई इसकी तो। हाँ अरे दो ना इस भिखारी को। देखा दिया ना। हाँ चलो थैंक यू, चलो मैं निकलता हूँ। मेरे अरे पैसे छोड़ ना, दूध लेना है। आज के दिन पानी पी ले, चल सारे पैसे मैं निकलता हूँ, दूध लेना है। अरे चल निकलता हूँ। ए बालू। अरे प्रकाश छोड़ ना यार। छोड़ के चली गई। अरे तू इतना क्यों रो रहा है यार? तू मर्द है ना? फिर ऐसे मर्द रोते हैं क्या कोई? नहीं भूल पा रहा। अरे छोड़ ना प्लीज यार, तू भी क्या उसको याद कर रहे है? उसको तेरे सारे की जरूरत होनी चाहिए और तू उल्टा रो रहा है क्या यार? प्रकाश ऐसा मत कर। अरे प्रकाश तू क्यों उदास हो रहा है यार? जो चाहा अगर नहीं भी मिला, फिर भी दोस्त अपने साथ ही रहेंगे, और बाद में ये सारी बुरी आदतें जिंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। नारायण भैया क्या है? एक गिलास पानी दो ना। तू फिर से आ गया? नहीं तो गरम चाय तेरे मुंह पे फेंक दूंगा। उस दिन मेरे दुकान पे इतना तमाशा किया, मेरे सारे कस्टमर चले गए थे, पता है तुझे? चल निकाल यहां से। इसके घर वाले इसे खाना तक नहीं देते और चला आता है, दिन खराब कर दिया मेरा। नारायण भाई। हाँ आप क्या हुआ? ये लड़का कौन है? वो जो अभी इधर आया था उसे तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है, वो चंदू का बेटा है। तब तो इसे बोलकर कोई फायदा नहीं है। अच्छा क्या मतलब? मतलब जैसा बाप वैसा बेटा। सही कहा, बिल्कुल बाप पर गया है। अगर ये अपने बाप के रास्ते पे चल रहा है तो ये गलत कर रहा है, इसके जैसे लोग हमारे लिए कलंक है। भैया मुझे दवाई। देखो पहले के पैसे चुका दो, फिर तुम्हें दवाई दूंगा। चलो निकलो। दे दूंगा। नहीं मिलेगी। चल जा। मैं दे दूंगा बाद में। पहले के पैसे चुका दो, मैं बोल रहा हूँ ना, फिर ही दवाई दूंगा। लेकिन मुझे मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मेरी दवाई। मुझे कोई पानी नहीं देता, कोई दवाई नहीं देता, पैसे दूंगा बोला, दवाई नहीं देता, पानी नहीं, मैं किसी का। अरे दवाई खरीदने के बदले तू कहाँ गया था? क्या कहा? प्रकाश तू मेरे साथ चल। वो कहता है पैसा देगा तभी दवाई देगा। चल साइकिल पे बैठ, चल जल्दी। तुम चलो दवाई दिलाओ मुझे। चलो तो मेरे साथ। अरे क्या कर रहा है? नहीं इस तरफ चलो। चल चल तू चल साइकिल पे बैठ। चल मैं नहीं आऊंगा। जल्दी चल, मैं बोल रहा हूँ प्रकाश मेरे साथ चल। चल मैं दवाई लेके देता हूँ, चल। अरे जरा चुप कर। मैं दवाई नहीं दिया। प्रकाश बात को समझो, चुप रहो। दवाई अपने आप को संभालो प्रकाश। बेटे की हालत तो देखो। अब उसका प्रकाश प्रकाश संभालो अपने आप को, संभालो। क्या हुआ? क्या बोलो?
अब आखिरी पिंड को उस पत्ते पर रखो। अब फूल पिंड पर रखो। अब दक्षिण की तरफ घूमकर तीन बार ताली बजाओ। एक काम करो, थोड़ा पीछे हो जाओ। लगता है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली होगी। कल को पीछे छोड़ दो और वर्तमान में आ जाओ। हम जहां जी रहे हैं, बीते हुए कल और आने वाले कल को पीछे छोड़ दो। और मैं तो कहता हूं दोस्तों, हमें दुनिया का भला करना है। जो बीत गया है वो एक इतिहास बन गया है। अगर आज के नौजवान भटक रहे हैं तो उनका जरूर कुछ कारण है। और मैं तो यकीन के साथ कह रहा हूं, हमारी सार्वजनिक सुविधाएं खत्म हो रही हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक लाइब्रेरी, खेल के बड़े बड़े मैदान और मंडली, ये सब हमारे समाज से गायब हो रही हैं। आज के संत तो किसी और दूसरे काम के लिए व्यस्त हैं, जिससे हमारे समाज में गंदगी फैल रही है। हमें ऐसी परिस्थितियों में नौजवानों को जानना होगा, पहचानना होगा। हमें इन नौजवानों की नशे की लत छुड़ानी होगी मित्रों, और इसी के लिए ये सबसे ठीक समय है। ये प्रकाश के लिए जागृति थी और फिर उसने लाल झंडा उठा लिया और वो इनकलाब के दिन थे। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद।
जीवन के सामाजिक आंदोलन के जरिए, साहित्य के जरिए वो काफी कुछ समझने लगा। नारायण भाई, ओ नारायण भाई, हम इसे मनाएंगे। जल्दी आओ नारायण भाई, ये सबको बांट दो। आज ऐसी क्या खास बात है भाई? हैं? आपको पता नहीं? नहीं, हमारा प्रकाश पास हो गया। हैं? अरे भाई अखबार में देखो तो जरा, देखो देखो अखबार में देखो। कौन पास हो गया? कहीं वो गुजरे हुए चंदू का बेटा तो नहीं? हाँ हाँ, उसी का लड़का पास हो गया है। मैं तो पहले से ही कह रहा था कि वो बहुत होशियार है। आज के नौजवान को उसे देखकर सीखना चाहिए। उसने हमारे गाँव का नाम रोशन किया है। अच्छा, ये तो उसे गालियाँ देता था। कहानी इधर खत्म होती है। अपना हीरो कहानीकार भी है और अपनी जिंदगी के अनुभवों की कहानी का हिस्सा भी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मुझे एक बात समझ में आई। अपने जिंदगी में हमें खुद ही आगे बढ़ना पड़ता है। सिर्फ चाहत होना काफी नहीं है, चाहत को पूरा करने के लिए मजबूत फैसले होना भी उतना ही जरूरी है। चुनौतियों का सामना किए बिना, दबाव में आकर, आर्थिक परिस्थितियों को दोषी ठहराकर हम में से कई लोग पीछे हट जाते हैं। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम सब हमारे देश के भविष्य हो और तुम्हारे माता पिता का सपना भी। उस भविष्य में बिना रुकावट डाले यहाँ मौजूद हर एक दोस्त को कामयाबी मिले, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं बस इतना ही कहना चाहता था। नमस्कार। गणेश, व्हाट्सअप, कहाँ है तू? बहुत दिन से तेरी कोई खबर नहीं। दुबई में है क्या? नहीं यार, मैं थोड़ा बिजी था। इतना बिजी था, समझ गया, पार्टी शार्टी फुल ऑन चल रही होगी, है ना? नहीं यार, तुम किसी को नहीं कहोगे तो तुम्हें एक बात बता दो। क्या बात है, शादी कर रहे हो? अरे नहीं, घर में हाउस वार्मिंग पार्टी है, तुम कल सुबह आ जाना। हाउस वार्मिंग, ग्रेट मैन, बहुत अच्छे। तुम्हारी माँ तो खुश है ना? ऑफ कोर्स यार, सच बताऊँ मैं तो तुम्हारे बारे में भूल गया था, मम्मी ने याद दिलाया। हाँ, और वैसे भी तेरे घर में सिर्फ तेरी माँ ही मुझसे प्यार करती है। सुनो, कल तुम जल्दी आ जाना, सुबह 10 बजे का मुहूर्त है। अरे यार, सुबह 10 बजे? अरे कल सुबह 10 बजे मेरा इंटरव्यू है। मतलब तुमने फिर से नौकरी छोड़ दी? तुम इंटरव्यू दे देकर बोर नहीं होते क्या? अब तो सिलेक्ट हो जाओ यार। मैं सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता, समझ गए?
अपनी क्रिएटिविटी के लिए आजादी चाहिए तभी खुशी होती है मुझे। वैसा काम मिलेगा तो सेटल हो जाऊंगा। ऑलवेज लव योर जॉब नॉट योर कंपनी। यू मे नॉट नो व्हेन योर कंपनी स्टॉप्स लविंग यू। समझा? इतनी बड़ी फिलॉसफी मैं आम आदमी को नहीं देता। तू मेरा दोस्त है इसलिए तेरे लिए फ्री। ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन कौन सी कंपनी? तू भी इस कंपनी को जानता है, पिनाकल। इंटरव्यू अलग तरीके का है। अच्छा? इंटरव्यू फोन पर होगा। मैं पहली बार फोन पर इंटरव्यू देने वाला हूँ। बहुत कंफ्यूज हूँ। लेकिन क्यों? पता नहीं वो लोग कैसे सवाल पूछेंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम खुलकर क्यों नहीं बताते? हा? मैं भी ऐसा ही एक इंटरव्यू दे चुका हूँ। ज्यादा मुश्किल नहीं है वो। अच्छा, तूने भी अटेंड किया है? मैं 2 दिन से तैयारी कर रहा हूँ। और बता, तेरा एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, लेकिन वो कॉमन क्वेश्चंस नहीं पूछते। फिर? और इसका जवाब तुम्हें गूगल में भी नहीं मिलेगा। अच्छा? तेरा पेशेंस, तेरी आदतें, तेरा कॉमन सेंस, ये सब तुझे जाने बिना ही वो पता कर लेंगे। कुछ एटीट्यूड टेस्ट जैसा ही होता है। अच्छा, तुझे कैसे सवाल पूछे थे? एक एग्जांपल तो बताओ। एग्जांपल के तौर पर देखो, उनके सवालों का टाइम लिमिट होता है। मैंने तो उठपटांग जवाब दे दिया था। इंटरव्यू होने के बाद मुझे एक भी सवाल याद नहीं था। हाँ, मगर एक बात समझ गया, वो जानना चाहते हैं हम कैसे रिएक्ट होते हैं। फिर भी एक सवाल तो याद होगा ना? अगर बहुत जरूरी है तो बताता हूँ। अब ध्यान से सुन, दोबारा पूछकर टाइम वेस्ट मत करना मेरा। मैं तैयार हूँ, बोल। राम, ऐसा समझो कि तुम एक गांव जा रहे हो। तुम एक जंक्शन पर पहुँचते हो जहाँ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तुम्हें सही गांव पहुँचाएगा और दूसरा रास्ता गलत गांव पहुँचाएगा। याद रखना, तुम्हें सही गांव पहुँचना है। ओके ओके। दोनों गांव वालों की अजीब आदत है, जिस गांव में तुम्हें जाना है वो गांव वाले सिर्फ सच बोलते हैं और गलत गांव वाले हमेशा झूठ बोलते हैं। जंक्शन पर पहुंचकर तुम एक अनजान व्यक्ति से मिलते हो। अब तुम्हें पता करना है कि वो किस गांव का है। मेरा मतलब है, वो अजनबी सच कहने वाला है या झूठ कहने वाला है, ये हमें नहीं पता। याद रहे, सिर्फ एक ही सवाल पूछ सकते हो और उसके सवाल का जवाब तुम्हें सही गांव पहुंचा सकता है। पता नहीं तुम ये कर पाओगे या नहीं। तो ये बताओ, सवाल क्या करोगे यार? लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वो अजनबी सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? वही तो तुम्हें पता लगाना है दोस्त। उस इंटरव्यू में ऐसे ही सवाल पूछते हैं। तूने मुझे टेंशन देने के लिए फोन किया क्या? है? वो तू सोच, इंटरव्यू होने के बाद आ जाना, हम लोग वेट करेंगे। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक्स यार, बाय। सही गांव, गलत गांव, एक सवाल भाई, सही गांव का रास्ता क्या है? अगर उसने झूठ बोला तो और कुछ पूछना पड़ेगा। जूली, क्या तुम सही गांव से हो या फिर गलत गांव से हो? हाँ, जूली, कम ऑन। फिल्में थिंकर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए दिखाते हैं। मैंने तो ये नेट पर भी सर्च कर लिया है। अगर कोई 8 एल्गोरिथम सीखते हैं तो ये कर सकता है, और ये सब यूट्यूब में है। हंस क्यों रहे हो? जान, ज्यादा वक्त बर्बाद करके ये काम करने से कोई होशियार नहीं होता। जल्दी और कम समय में आँख, उंगलियाँ और दिमाग एक साथ इस्तेमाल करके जो काम कर सकता है उसे होशियार कहते हैं। अगर कोई डाउट है तो आजमा लो, तुम 100 गिनने तक मैं सॉल्व कर दूंगा। अच्छा? हाँ ठीक है, तो करके दिखाओ। ये लो, गिनती शुरू करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99 and 100. अच्छा ठीक है, ये तो तुमने सॉल्व कर दिया। मेरे पिताजी को मना के दिखाओ, उसके लिए तुम्हें किसी अच्छे जगह पर जॉब करनी होगी। हंस लो, मेरे पिताजी मैट्रिमोनी साइट पर लड़के ढूंढ रहे हैं। राम, कल जो तुम इंटरव्यू दोगे उसे तुम्हें पास करना ही है। तुम मेरे पिताजी को जानते हो ना, ही इज वेरी प्रैक्टिकल, और मैं भी एक हद तक। राम कभी तो सीरियस हो जाओ। जानू, हमारी जिंदगी इस क्यूब के जैसी है जिसका हल ढूंढने में वक्त लगता है। कुछ एल्गोरिदम ऐसे भी हैं जो हमें अभी तक नहीं मिले, वो वक्त हमें देगा। कम समय में सॉल्व करने से कोई जिंदगी में फर्स्ट नहीं होता। प्यार और स्नेह के साथ हम सबकी जिंदगी रंगीन बन जाती है। राम, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें ने कहा था सीरियस होने को। अरे मेरी जान, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट माई करियर लाइफ एंड एंड यू। हेलो। यस, राम हियर। राम, आई एम मीरा कॉलिंग फ्रॉम पिनाकल फॉर द इंटरव्यू। वी इन्फॉर्म्ड यू लास्ट टाइम। हेलो राम, कैन यू हियर मी? या मैम। ओके राम, यू कैन चूज द लैंग्वेज फॉर द इंटरव्यू, ईदर इंग्लिश और हिंदी। मैम, आई एम ओके विद बोथ लैंग्वेजेस, मगर मुझे हिंदी पसंद है। ठीक है राम, हम इंटरव्यू हिंदी में कंटिन्यू करेंगे। ओके मैम। आपको 15 सवालों के जवाब देने होंगे, और जवाब देने के लिए कंपनी आपको सिर्फ 15 मिनट देती है। अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता है तो आप जितनी बार चाहेंगे मैं उतनी बार फिर से पूछूंगी, लेकिन 15 मिनट खत्म होते ही आपको कम से कम 12 सवालों के जवाब देने होंगे। आई होप इट्स क्लियर। यस मैम। कुछ सवालों के लिए टाइम लिमिट भी होंगे, मतलब जवाब के लिए आपको 10 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, 30 सेकंड्स मिलेंगे, और ऐसे सवाल पूछने से पहले ही आपको बता दिया जाएगा। अगर आपके गलत जवाबों का सही जवाब चाहिए तो आप हमें पूछ सकते हैं। okay, मगर ऐसा करने से आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे। सवाल जवाब के दौरान बिना किसी रोक टोक आपको 15 मिनट हमारे साथ फोन पर रहना होगा। okay, मैम। आप कोई और कॉल अटेंड नहीं कर सकते हैं। ओके, 5 मिनट के बाद मैं फिर से फोन करूंगी। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। हेलो राम। यस मैम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके मैम। अगर आप इंटरव्यू बोर्ड में हैं और मैं कैंडिडेट बनकर आती हूँ, तो आप मुझसे सबसे पहला सवाल क्या पूछेंगे? मैम, क्या मैं इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर जैसे बात कर सकता हूँ? यस राम, हम भी वही चाहते हैं। थैंक यू मैम। मिस मीरा, मैंने आपका प्रोफाइल तो देखा, अच्छा है। आपको आपके एग्जाम्स में 90% के ऊपर अंक मिले हैं, और आपका स्वभाव देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आपकी काबिलियत को साबित करने के लिए कंपनी ने आपको चुना है। मैं आपकी बहुत तारीफ करता हूँ, बिकॉज आवर कंपनी इज ग्रोइंग नाउ, और आज आप HR एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में ज्वाइन कर रही हैं। आगे जाकर आप HR मैनेजर भी बन सकती हैं, और जब ऐसा होगा तब कंपनी की सारी रिक्रूटमेंट्स आपको करनी पड़ेगी। Am I right, मीरा? Yes. Yes. और उस वक्त कंपनी के मार्केटिंग स्टाफ को लेते समय और सबसे पहले एक MBA कैंडिडेट आपके सामने आता है, और उससे आपका पहला सवाल क्या होगा? मैम, मेरा भी पहला सवाल यही होगा। Very good. Second question. राम, अभी आप ईस्ट की तरफ खड़े हैं। वहां से 100 मीटर बाएं तरफ जाने के बाद 150 डिग्री घूमकर 200 मीटर पीछे चलते हैं। उसके बाद 100 मीटर बाईं तरफ जाकर
दाहिने घूमकर अब 300 मीटर आगे चलते हैं। फिर से दाहिने घूमकर 100 मीटर पीछे चलते हैं। अब आप बताइए। ओके। राम, आप किस तरफ देखकर खड़े हैं? सॉरी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। ओके मैम। एक कार का पहला डिजिट का डबल आखिरी डिजिट है और दूसरा और तीसरा डिजिट सेम है। पहला डिजिट का डबल आखिरी का दोनों डिजिट है। अब आप बताइए कार का नंबर क्या है? It's 4998, ma'am. You are right. Next question. याहू शब्द का अर्थ हिंदी में क्या है? राम, are you there? Yes, ma'am. I'm here. मानव पशु। Yes. मीरा, आप मुझसे इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो? अगर किसी चीज की जरूरत हो तो खुलकर बोलो। सर, आपको तो पता है पिछले 3 साल से मैं यहाँ सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे काम कर रही हूँ। मुझे पता चला कि एचआर मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू रखा गया है। बहुत सारे एप्लीकेंट्स आए हैं, मैंने भी अप्लाई किया है। अगर आपसे एक रिकमेंडेशन मिल जाती तो मुझे वो पोस्ट मिल जाएगी एंड इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। ऑफ कोर्स आई कैन। अगर मैं ऐसा करूं तो, या यू समझो मीरा, मैंने ऐसा कर दिया तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? व्हाट डू यू मीन? आई मीन, आज रात को फ्री हो? नो थैंक्स, मैं एमडी से मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। आई कांट डू इट मीरा, आई नो यू आर क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड बट मैं कंपनी के रूल्स तोड़ नहीं सकती हूँ। तुम जानती हो मेरे पिताजी की मौत के बाद इस कंपनी का चार्ज लेकर मुझे 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और इतने कम समय में अगर कंपनी इतनी अच्छी चल रही है तो उसका कारण कंपनी का मिशन और विजन है। मैं मेरी सिचुएशन। Why you are saying like this, Meera? मैं तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन देखकर कंपनी कैसे चला सकती हूँ? You have to attend the interview. That's all. अब तुम जा सकती हो। Okay, ma'am. मीरा, 1 second. Yes, ma'am. I can do one thing for you, मीरा. कल मैं एक इंटरव्यू कंडक्ट करने वाली हूँ फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर वन मिस्टर राम, अ वेल क्वालिफाइड यंग गाय। वो इंटरव्यू तुम कंडक्ट कर पाओगी? यू मीन? आई मीन कल का इंटरव्यू और वो है 15 मिनट का। मीरा, तुम कंपनी की एमडी बनोगी। यू मस्ट बी द एमडी ऑफ द कंपनी। उसके इंटरव्यू के साथ तुम्हारा भी इंटरव्यू होगा फॉर एचआर मैनेजर। ओके, कम ऑन मीरा, से यस और नो। यस, आई विल। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। गुड। जीएम से जाकर मिल लो। इंटरव्यू में जो सवाल पूछते हैं वो जीएम के पास है। मैम, वो या आई कैन अंडरस्टैंड। मेरे पिताजी के टाइम के सबसे सीनियर स्टाफ जो हैं, वो है मिस्टर कुमार। मैं उनके बारे में सब जानती हूँ। तुम जाओ, डोंट वरी, मैं फोन पर उन्हें बता दूंगी। यस मैम, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मीरा। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें मलेशिया ले जाऊंगा। आप भी ना सर। एक्सक्यूज मी, मे आई? ओके, सी यू। मैं आपको शाम को फोन करूंगी। बाय। आप बैठिए। नो सर, मैडम ने आपको फोन किया था। अगर आप क्वेश्चंस दोगे तो मैं प्रिपेयर कर लूंगी। ओह यस 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 यस। 1 मिनट। इसमें काफी क्वेश्चंस हैं। इसमें से 15 तुम सेलेक्ट कर लो। श्योर सर। कल सुबह 12 बजे का इंटरव्यू।
वन थिंग, इंटरव्यू से पहले तुम सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चंस मुझे दिखाओगे, ओके? यस सर। मीरा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड सिलेक्शन। सर 15 में से 5 क्वेश्चन हम चेंज करेंगे। आई विल टेल यू। वो किस लिए? आई कैन हेल्प यू। सर ये तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं, बाकी के 3? ओह, बाकी के 3? वो तुम बनाओगी। लेकिन सर इतने कम समय में मैं कैसे 3 सवाल बनाऊंगी? तुम्हें करना होगा, और उतना काफी नहीं है मेरा। सवाल ऐसे होने चाहिए जिसका जवाब वो नहीं दे पाएगा, लेकिन मेरे दोनों सवालों का जवाब उसे देना होगा। समझ गई ना तुम? सर ऐसे कैसे हो सकता है? अगर जवाब दिए बिना उसने नेक्स्ट बोला तो? देखो उसे कुछ भी बुलवाना, वो तुम्हारा काम है मेरा। मेक हिम टू आंसर माय क्वेश्चंस। अगर मेरे बनाए हुए सवाल का जवाब उसने दे दिए तो? तो फिर तुम फेल हो जाओगी मेरा। बेटा मैं कब से फोन कर रही हूँ। मैं पंचायत प्रेसिडेंट के साथ बैंक मैनेजर से मिलने गई थी। प्रेसिडेंट ने जैसा कहा वैसा वो लोग भी कह रहे हैं कि हम लोन देर से भर सकते हैं, मगर वो कह रहे थे कि अभी का सैलरी सर्टिफिकेट कम है। अगर हम लोन देर से भी नहीं भर पाए तो बैंक घर जब्त कर लेगी। तुम्हारे पिताजी की यादें इस घर में बसी है बेटा। तुम्हें प्रमोशन मिला क्या? मैं ऑफिस आती हूँ बेटा। Ram here. Ram, I'm Meera calling from Pinnacle for the interview. We informed you last time. Sure. अगर आप इंटरव्यू बोर्ड में हैं और मैं कैंडिडेट बनकर आती हूँ तो आप मुझसे सबसे पहला सवाल क्या पूछेंगे? क्या मैं इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर जैसे बात कर सकता हूँ? अब आप बताइए आप किस तरफ देखकर खड़े हैं?
सॉरी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप बताइए कार का नंबर क्या है? इट्स 4998 मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, याहू शब्द का अर्थ मलयालम में क्या है? राम, आर यू देयर? यस मैम, आई एम हियर। मानव पशु। ओके मैम, मेरे दोनों सवालों का जवाब उसे देना होगा। ही मस्ट आंसर। आज से लगभग 3 या 4 साल के बाद सोचिए कि आप इस कंपनी के मार्केटिंग हेड बन जाते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए राम। ओके। एक शाम ठीक 6 बजे आप ऑफिस से बाहर जा रहे हैं। आपको एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए ऐसी जगह जाना है जो आपके ऑफिस से 1 घंटा दूरी पे है। ओके मैम। इस मीटिंग से कंपनी को एक फायदा होगा और वो है 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट। बाहर निकलते वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड जो औरतों के मामले में बड़ा ही कमीना है वो आपको विश करता है। ओके ओके। अचानक आपको एक बात याद आती है, आपके साथ काम करने वाली एक सुंदर औरत ऑफिस में अकेली है। और उस औरत के भी कुछ अर्जेंट काम बाकी है, और ऐसे सिचुएशन में आप क्या फैसला करेंगे राम? आप उस अकेले औरत की रक्षा के लिए ऑफिस में रहेंगे या फिर कंपनी के लिए इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे? मैं जरूर अपने साथ काम करने वाली की रक्षा के लिए ऑफिस में रहूंगा। बिकॉज हो सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से कंपनी को 50 लाख का फायदा होगा, बट सिक्योरिटी के सवाल पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस औरत के साथ कुछ भी कर सकता है, और इसकी वजह से हो सकता है कि कंपनी बंद भी हो जाए। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस कंपनी की एमडी एक यंग लेडी है जो बहुत ही काबिल और समझदार है, और वो कभी भी ऐसे नालायक और बुरे स्टाफ को इस कंपनी में काम नहीं करने देगी। फिफ्थ क्वेश्चन, एक समझदार नारियल व्यापारी के पास 30 नारियल से भरी 3 बोरियां हैं। तीनों बोरियों में पूरे 90 नारियल हैं। व्यापारी को 30 चेक पोस्ट पार करके बाजार पहुंचना है। हर चेक पोस्ट पर हर एक बोरी के बदले में 1 नारियल देना है, मतलब 1 टैक्स पॉइंट में 3 नारियल देने होंगे। तो बताओ 30 चेक पोस्ट पार करने के बाद क्या इस व्यापारी के पास नारियल बचेंगे, और अगर हाँ तो कितने? राम, your time is running. सर नमस्ते, ये लीजिए 3 बोरी के 3 नारियल। अगर आपको बाजार जाना है तो ये चेक पोस्ट आपको पार करनी पड़ेगी। ये तो पहली है, चेक पोस्ट में उनको 1 बोरी के लिए 1 नारियल देना होगा। अब उनको क्या लेना देना मैं किस बोरी से कौन सा नारियल दे रहा हूँ, और फिर ऐसे करते करते 10 चेक पोस्ट के बाद 1 बोरी खाली हो जाती है। अब तो भार भी कम होते जा रहा है और होशियारी से 1 बोरी भी कम हो गयी। अब 2 बोरी के लिए 2 नारियल देने होंगे। लेने दो उन्हें, हमारे गांव में तो काफी नारियल होते हैं। सर ये लीजिए 2 नारियल। अब तो गेट खोल दीजिए सर, अब ये 2री बोरी भी खाली हो गई। अब मेरे पास सिर्फ 1 ही बोरी बची है। सर भी खुश और मैं भी खुश। इंडियन चेक पोस्ट एक्ट के अनुसार 1 बोरी के लिए 1 नारियल देने होंगे। ऐसे 26 से लेके 30 चेक पोस्ट है। अगर मैंने 1-1 नारियल हर चेक पोस्ट पे दे दिए और जब मैं 30वें चेक पोस्ट पर पहुंचूंगा, तब बताइए मेरे बोरी में कितने नारियल बचे? My answer is 25, madam. You're correct, Ram. Here is your 7th question. याद रखना, सवाल ऐसे होने चाहिए जिसका जवाब वो नहीं दे पाए। राम, इस सवाल का जवाब आपको 10 सेकंड में देना होगा। ओके मैम। एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में मुलावकाडु पंचायत प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सॉरी मैम, मुझे पता नहीं। मिस्टर राम, इट्स योर पंचायत।
अच्छा मैम, जवाब क्या है? आपके पंचायत प्रेसिडेंट का नाम है के.एन. दिनाकरन। अब आठवां सवाल। राम, ऐसा समझिए कि आप पुणे से नासिक एक ट्रांसपोर्ट बस चला रहे हैं। यस मैम। अब ये सवाल ध्यान से सुनिए, ये मैथ्स का सवाल है और ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। ओके। बस में टोटल 12 लोग हैं। अगले स्टॉप पे दो लोग बस में चढ़े, वहाँ एक आदमी उतर गया। नेक्स्ट स्टॉप में तीन लोग बस में चढ़े और दो लोग उतर गए। ओके ओके मैम। अगले स्टॉप पे पांच लोग बस में चढ़े, लेकिन तीन के पास पैसे नहीं थे। दो लोगों को कंडक्टर ने उतार दिया। एक आदमी के लिए पास बैठे हुए उसके दोस्त ने टिकट ले ली। ओके राम। ओके मैम। ये बताइए, ड्राइवर की एज कितनी थी? ये बस जो पूना से नासिक चलती है उसका ड्राइवर मैं हूँ, मतलब मेरी एज, ड्राइवर की एज 25 है। यस, यू आर राइट। राम, क्वेश्चन नंबर 9। ओके मैम। 100 सेकंड्स में बिना लेटर ए के 100 शब्द बोलिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 97 98 99 100। It's my answer, ma'am. You are right, Ram. Ram, it's a 10 second question and the 10th question. एशिया में किस टापू पर सबसे ज्यादा आबादी है? सॉरी मैम। Do you want to know the answer, Ram? Yes, ma'am. केरल के पास वाइपिनकारा नाम के टापू पर एशिया की सबसे ज्यादा आबादी है। राम, here is your 11th question. Yes, ma'am. आपके हाथ में बुखार और सर्दी की दो अलग अलग टैबलेट्स हैं। Yes. चारों टैबलेट्स का सेम कलर, सेम साइज, सेम खुशबू और सेम वेट है। Okay, ma'am. आपको सर्दी की एक दवाई और बुखार की एक दवाई खानी है, आप क्या करेंगे? मैं हर टैबलेट के दो दो टुकड़े करके हर एक का आधा हिस्सा खाऊंगा। ओह पिताजी। You're right, Ram. Thank you, ma'am. 12th question. एक कमरे में तीन लोग हैं। Okay. अगर वो एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे तो टोटल कितने हैंडशेक होंगे? आंसर में 10 सेकंड्स। इसे पकड़ो। मेरा कॉल आया है, मैं चलती हूँ। ऑल द बेस्ट। इट्स 3 मैम। सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13। इफ हार्ड वर्क इज 98%, नॉलेज इज 96%, लव इज 54, लक इज 47, मनी इज 72 एंड लीडरशिप 97%, देन What is the percentage of attitude? Sorry, ma'am. Next question, please. Okay, Ram. दुनिया में कौन सा खिलौना सबसे ज्यादा बिकता है? अर्नो रूबिक नाम के आर्किटेक्ट द्वारा बनाई गई रूबिक्स क्यूब दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला खिलौना है। यू आर राइट, राम। थैंक यू मैम। राम, नाउ यू हैव आंसर्ड 10 क्वेश्चंस। हियर इज योर लास्ट क्वेश्चन। ओके मैम। सर, ये क्वेश्चन में यस यू मस्ट मीरा। राम, आपकी माँ अगर एक प्रोस्टिट्यूट होती
What will be your attitude? बोलो माँ। मैं घर पर हूँ। आपका टूर कैसा रहा? बहुत ठंडी थी, तुम्हें भी आना चाहिए था। अरे माँ क्या बोल रही हो, तुम्हारे हनीमून में मैं कैसे आता? बेटा मेरी जूली कहाँ है? वो इधर ही है। इंटरव्यू के बारे में बता रहे थे। अभी मेरा इंटरव्यू भी चल रहा है। अच्छा, खत्म होने के बाद मैं आपको फोन करता हूँ माँ। ठीक है बेटा। हेलो मैम। राम आपने फोन कट क्यों किया? हेलो, नेटवर्क नहीं था। मैंने रूल्स में बताया था ना कि नेटवर्क वाली जगह पर ही खड़े रहो। इसका जवाब दे रहे हो या? यस मैम, मैं जवाब दूंगा। मेरी माँ प्रोस्टिट्यूट होती तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज मैं अपनी माँ को अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी माँ का क्लाइंट जरूर मेरे पिताजी होंगे। एक बात है मैम, अगर मैं बोलूँ तो शायद मुझे ये नौकरी ना मिले, लेकिन बिना बोले मैं रह नहीं सकता। पता नहीं किसकी माँ ने ये सवाल बनाया है। Questions are over. 2 minutes remain. आप जो भी सवाल कहें मैं फिर से पूछ सकती हूँ। Because you must answer one more question to pass this interview. Of course, ma'am. Could you please repeat question number 13? अगर मेरे बनाए हुए सवाल का जवाब उसने दे दिया तो? You fail in this game, Meera. Okay, Ram. If hard work is 98%, knowledge 96%. Love 54, luck 47, money 72, leadership 97, then what is the percentage of attitude? Ma'am, मुझे पूछना नहीं चाहिए। Any clue? Excuse me, Meera. उसे fail कराना हमारा मकसद नहीं है। उसकी क्षमता, काबिलियत और समझ से हमारी कंपनी के लिए कितना फायदा होगा हमें बस उतना ही जानना है। तुम्हारे लिए भी। You got that? राम? Now luck is 47%. If you're lucky, that will increase to 72%. This is my clue. Ma'am, the attitude is 100%. You're absolutely correct, Mr. Ram. Thanks, ma'am. Ram, your interview is over. आपने 12 सवालों का जवाब दिया है. Okay. But the clue. Anyway, I will get back to you soon. Thanks, ma'am.
डन मीरा, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. थैंक यू. हेलो राम, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पिनाकल. देविका हियर. यस मैम. कांग्रेट्स राम, यू आर अपॉइंटेड एज द न्यू मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ आवर कंपनी. थैंक यू मैम. And our company wish you all the very best. Oh, thank you, ma'am. Thank you so much. Actually, I'm really sorry, Meera. आज तुम्हारा last day है इस company में as a HR executive. Mr. Kumar, meet our new HR manager, Miss Meera. Congrats, Meera. Thank you. You're welcome. हाँ बोलना यार. इंटरव्यू कैसा था दोस्त? बहुत मस्त था. जॉब मिला या नहीं? तू गेस करके दिखा. I am appointed in Pinnacle India, यार. Great. तुम मेरे घर आ जाओ अभी. हाँ आ रहा हूँ. अरे लेकिन मुझे रास्ता नहीं मालूम यार. तुम्हें वो जंक्शन पता है ना? हाँ. वहाँ पहुँचकर किसी को भी पूछ लेना. अच्छा ठीक है. अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेरे सवाल का जवाब मिला क्या? अरे हाँ, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया. सवाल सही और गलत गाँव था ना? तुम्हारे घर पहुँचने से पहले मुझे जवाब पता चल जाएगा. ओके ओके ठीक है, पहुँच कर बात करते हैं. बाय. ये जगह उस सवाल जैसी है. इसमें से कौन सा सही रास्ता होगा? भाई भाई. हम्म. आपको सुरेश का घर पता है? हम्म. आप इसी गांव के हैं क्या? क्या पूछा तुमने? आपको सुरेश का घर पता है? कौन सा सुरेश? जिसके घर में गृह प्रवेश है. गृह प्रवेश? उसका मतलब? मतलब नया घर बनाया है, पूजा है. अच्छा, वो घर तो मेरे बाजू वाला घर है. मैं घर जा रहा हूँ, मुझे भी छोड़ देना. तब तो मैं आपके घर का पता पूछ सकता था. हाँ वही तो. तुम क्यों घुमा फिरा कर पूछ रहे थे? भाई आप सही गांव से हैं या गलत गांव से हैं? तुम ये कैसा सवाल पूछ रहे हो? नहीं 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 कुछ नहीं, आइए बैठिए. अच्छा ठीक है. हेलो दोस्त, रास्ता मिला क्या? रास्ता भी मिल गया और सवाल का जवाब भी. अच्छा जवाब मिल गया? हाँ. बता जवाब क्या है, उससे तुमने क्या सवाल किया? सुनो, जो आदमी रास्ते पर खड़ा था उसके घर जाने का एड्रेस पूछ लिया. फिर भले वो सही गांव का हो या गलत गांव का हो, अपने घर का रास्ता तो सही बताएगा ना. क्या बोलते हो, सही है कि नहीं? वाओ यू आर ब्रिलियंट. जल्दी आओ. हाँ अब तुम एक काम करो, यहाँ से लेफ्ट ले लो. हाँ भाई. लेफ्ट लेंगे तो घर आ जाएगा. हाँ तो वो दूसरा रास्ता कहाँ जाता है? वो गलत गांव का रास्ता है. भाई आप तो अच्छा कॉमेडी कर रहे हैं. अच्छा शुक्रिया. सुनो शाम को जल्दी आ जाना, आपको पता है ना आज खास दिन है. ओ, आज 19th मई है ना? आज मेरे जिगरी दोस्त की बरसी है. नहीं, मेरे एक नालायक दोस्त का जन्मदिन भी है.
टिकट देना फिर क्या हो गया? अरे चलो ना, और उसका बहुत हो गया, 3 साल का हो गया, टिकट तो लेना ही पड़ेगा। वो सिर्फ फिल्म देखने के लिए है, बस में हाफ टिकट है ना, उसके लिए वो काफी है। हेलो, मेरी बात टिकट टिकट। हाँ, कहाँ जाना है आपको? अरे ये क्या अम्मा, 1000 रुपए का नोट दे दिया, छुट्टा नहीं है क्या? मैं किधर जाऊँ इसके लिए? 10,000 का नोट है तो दे दो ना, 1000 का नोट क्यों दे रही हो? 10 का नोट नहीं है। अब मैं कहाँ से लाऊंगा छुट्टा? बस में जाना तो छुट्टा रखना ही पड़ेगा ना, अब आप ही बताओ मैं कहाँ से लाऊंगा छुट्टा? इतनी बड़ी बस है और छुट्टा नहीं है तेरे पास? अम्मा 10 रुपए भी नहीं है अपने पास। मेरे पास बोल दिया ना, इस बस में किसी और से मांग कर तो देखो। अरे 1000 का छुट्टा है क्या किसी के पास? ए कंडक्टर, तू खुद क्यों नहीं दे देता? इन्हें 10 रुपए आप उतर कर दे देना। ठीक है, दे दूंगी। हाँ हाँ, अपने वार्ड के टॉयलेट के बारे में पूछ रहे हो ना? अरे वो मैं बना दूंगा ना, मैं कल कोल्हापुर जा रहा हूँ। हाँ, मुझे पता था अपनी पार्टी यहाँ जरूर हार जाएगी। और सुनो, जो सीट पक्की थी वो लोग ग्रुप बनाकर इसे हार गए। अगर ये सीट मुझे दिया होता तो मैं जरूर जीत जाता। अब देखा नतीजा क्या हुआ, मेरा नाम खराब कर दिया। सबको पता है तुम्हारा पंचायत का नाम। पागल कहीं से। अच्छा हुआ भीड़ कम है, कितना गर्म हो रहा है। और 2 स्टॉप के बाद कॉलेज के स्टूडेंट्स चढ़ेंगे, तब गर्मी और बढ़ जाएगी। आज कहीं कॉलेज की छुट्टी तो नहीं है? Thank you.
माता जी चलो नीचे उतरो, टायर पंचर हो गया है, बस आगे नहीं चलेगी, चलो चलो सुनाई नहीं देता आपको। पिताजी। बेटा। सॉरी पिताजी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बेटा। बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? जब आपने मुझे मारा तो मुझे बहुत दुख हुआ पिताजी। उस आदमी को मैंने कहीं देखा है? हाँ देखा होगा, मगर आगे से ऐसे तुम भाग कर नहीं जाओगे। चलो बैठो ना। तुम यहाँ क्यों रुके हो? तुम चले क्यों नहीं जाते भाई? बस टाइम पास कर रहा हूँ। भाई साहब कोई मदद चाहिए? अनु सुनो, तुम कहाँ हो? मैं कब से फोन कर रही हूँ। क्या हुआ? बहुत मिस कॉल थे। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? आखिर हो कहाँ तुम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है बता, तुम्हारी मीटिंग कैसे रही? मैं जल्दी निकल रही हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, सर चकरा रहा है। मैंने तुम्हें कुछ और कहने के लिए फोन किया था। हाँ तो बोलो ना। किसी ने तुम्हारे दोस्त को पुल के नीचे मार डाला, उसके दोस्त और पुलिस खूनी को ढूंढ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जल्दी से घर आ जाओ ना। उस पुल के नीचे किसी का मर्डर हुआ है, पूरा रोड ब्लॉक है। क्या हुआ, चुप क्यों हो? और वो ब्रोकर सुधाकर है ना, वो आकर 35,000 रुपए देकर गया है। जो प्रॉपर्टी तुमने दिखाई थी वो बिक गई और उसका ये कमीशन है। और भी एक खुश खबर है। तुम जल्दी घर आ जाओ ना, घर आने के बाद बताती हूँ।